वेरिकोज वेन्स को निकालने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है? क्या आपका ब्लड फ्लो फिर से रेगुलेट हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है? क्या ये वेन्स वापस आ सकते हैं? आज मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हेलो, मैं डॉक्टर धनराज चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट और वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट, VeinMD वेरिकोज वेन सेंटर, पुणे से। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वेरिकोज वेन्स को कब निकालना पड़ता है। ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें वेरिकोज वेन्स का सर्जरी से निकालना जरूरी होता है। सो लेट्स डिस्कस कि वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स को आपके मेजर्स के साथ टेम्परेली तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब इन वेन्स के वॉल्स ठीक से काम करना नहीं कर पाते तो ये वेन्स को एनलार्ज होने से प्रिवेंट कर नहीं पाते, तब इनको डेफिनेटली निकालना पड़ता है। अगर आपको डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या सीवियर पेन हो रहा है तो आपको वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करना जरूरी है। जिन लोगों को अल्सर का प्रॉब्लम है या जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की वजह से अल्सर होने के चांसेस है, उन्हें भी वेरिकोज वेन्स ट्रीट करना पड़ता है। जिन लोगों को फ्लेबाइटिस नाम की कंडीशन होती है जिसमें वेन्स और स्किन और वेन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उन्हें भी वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। इन सारे सिचुएशंस में वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करते हैं, मतलब कि उनको शरीर से एक तो बाहर निकालते हैं या शरीर में ही लेजर या स्क्लेरोजन से बंद कर देते हैं। अगर इनको ट्रीट नहीं कर किया तो आगे जाकर स्किन को पिगमेंटेशन, एक्जिमा, सुपरफिशियल लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस या वीनस अल्सरेशन जैसे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए इन वेन्स को समय पर ट्रीट करना जरूरी है। देखिए, वेरिकोज वेन्स में जो डैमेज्ड वॉल्स होते हैं उन्हें क्योर नहीं किया जा सकता। इसे ठीक करने के लिए अफेक्टेड वेन्स को लेजर या स्क्लेरोथेरेपी या सर्जरी से निकालना ही पड़ता है। इससे फ्यूचर में अल्सर्स या बाकी कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं उनका रिस्क कम हो जाता है। तो क्या वाकई में ये वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। तो इसका सिंपल जवाब है हाँ, ट्रीटमेंट से आप वेरिकोज वेन से छुटकारा जरूर पा सकते हैं। 80% से ज़्यादा लोगों में इसके अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। चाहे सर्जरी हो या स्क्लेरोथेरेपी या एंडोवीनस कोई भी एब्लेजन प्रोसीजर्स हो, वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करने के लिए उसमें ब्लड फ्लो जो है वो बंद करना पड़ता है और वो वेन का फंक्शन बंद करना पड़ता है। वेरिकोज वेन्स में ब्लड फ्लो को बंद करने के बाद उसके बाकी वेन्स में डाइवर्ट किया जाता है। हमारे लेग्स में छोटे और मोटे मिला के हजारों वेन्स होते हैं। ये वेन्स टू लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। जो डीपर मसल के पास लेयर्स होते हैं उन वेन्स को डीप वेन्स कहते हैं और ये वेन्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। जो वेन्स स्किन के अंदर जस्ट नीचे होते हैं उनको सुपरफिशियल वेन्स कहते हैं। नॉर्मली ये स्मॉल साइज के होते हैं। ब्लड फ्लो हमारे स्किन के सुपरफिशियल वेन्स से डीप वेन्स में चला जाता है और नॉर्मली फिर उसमें से डीप वेन हार्ट तक चला जाता है। जब वे सुपरफिशियल वेन्स के वॉल्स खराब होते हैं और इनमें ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो इनको वेरिकोज कहते हैं। यूजुअली पैरों में टोटल ब्लड फ्लो में से सिर्फ 10-15% इन सुपरफिशियल वेन्स में होता है। जब इन वेरिकोज वेन्स को हम ट्रीट करते हैं यानी कि लेजर या स्क्लेरोथेरेपी या सर्जरी से बंद कर देते हैं तो ब्लड डीप वेन्स में या जो बाकी के सुपरफिशियल वेन्स रह जाते हैं उनमें डाइवर्ट हो जाता है। जैसे ट्रैफिक जाम होता है तो हम रास्ते दूसरा लेके जाते हैं, सेम उसी तरह बाकी के नॉर्मल वेन्स जो है वो फंक्शनिंग होते हैं, वेरिकोज वेन्स को हम बंद कर देते हैं। पेशेंट में जो इरेगुलर ब्लड फ्लो के कारण जो पेन, स्वेलिंग, इचिंग होता है तो ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह वो सही से हो जाता है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स निकालने के बाद नॉर्मल ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल वेन्स से कंटिन्यू हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। डैमेज वेन्स को निकालने के बाद वेन्स में जो एक्सेस ब्लड एक्यूमुलेट होता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में वेरिकोज वेन्स रिमूव करने के बाद भी वेन्स में ब्लड क्लॉट, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कभी कभी स्किन पे स्कारिंग या डिस्कलरेशन होता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। जब ये वेन्स ठीक से निकाल जाते हैं या प्रोसीजर्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए फिर वेरिकोज वेन्स को परमानेंटली निकालने के लिए, उन्हें वापस आने से प्रिवेंट करने के लिए और उन्हें निकालने के बाद पॉसिबल साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आपके एरिया में जो भी डॉक्टर जिनका बहुत सारे केसेस ट्रीट किए उन्होंने, उनको जाके दिखाइए। एक बार वेरिकोज वेन्स को निकालने के बाद ज़्यादातर पेशेंट्स में ये वेन्स वापस नहीं आते हैं, पर कुछ केसेस में सर्जरी के बाद या ट्रीटमेंट के बाद वेरिकोज वेन्स दूसरे बाकी के जो वेन्स हैं उनमें डेवलप हो सकते हैं। कुछ स्टडीज में ऐसे पाया गया है कि सर्जरी के अगर 100 पेशेंट्स में किए तो 10-20-30 पेशेंट्स में अलग नए वेन्स आ सकते हैं,
इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर और प्रिवेंशन और उसके लिए जो एक्सरसाइजेस लगते हैं वो करना भी जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि नए वेरिकोज वेन्स तैयार ना हो तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वेट कम करना होता है, वो ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करना होता है। अगर आपका जॉब सिडेंट्री है या कंटिन्यूस स्टैंडिंग का है तो बीच बीच में रेगुलर मूवमेंट्स करना लेग के मसल्स के वो इम्पोर्टेंट होता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें हेल्प करता है वापस वेरिकोज वेन्स होने का प्रिवेंट करने से। आई होप कि इस वीडियो से आपको यही समझा होगा जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वेरिकोज वेन्स निकालने के बाद ब्लड फ्लो कैसे होता है। आपको और अगर बहुत सारे सवाल है जो मैं आपको उसके आंसर चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिए। वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने और भी वीडियोस बनाए हैं और बनाते रहेंगे। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, आप उसका वेट कीजिए, तब तक बाकी वीडियोज़ देखिए। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।